तो हाँ जी, कैसे हो आप? नमस्ते मारवाड़ी आर्मी, होप आप मौज काट रहे हो। तो आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये वीडियो सबके लिए है। आज हम बात करेंगे हाउ टू रिकवर ऑप्शन लॉसेस, जो आपने नेकेड ऑप्शन बाइंग करके या इधर उधर की टिप्स कॉल्स लेके जो लॉस कर दिया है, या हर किसी ट्रेडिंग करके लॉस किया है। ये लॉस किसी के 1 लाख रुपए है, किसी के 2 लाख है, किसी के 50 हज़ार है, तो किसी के 10 लाख भी है। तो पूरा वीडियो देखना, पूरा रोड मैप बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने वाले हैं, कैसे आप इसको रिकवर करोगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर सबसे पहले आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि कोई भी बात चुके ना आपसे। तो आपने ये तो सुना होगा, लॉसेस आर ट्यूशन फी ऑफ मिस्टर मार्केट, लेकिन अगर उस ट्यूशन फीस से हम कुछ नहीं सीखते हैं तो गड़बड़ है। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पे और बनाते हैं आपका रोड मैप कब कैसे करना है। तो सबसे पहले तो दिल से कमेंट कर देना अगर आपको कोई भी डाउट हो और वीडियो पसंद आए तो। तो चलो शुरू करते हैं आपका मिशन ट्रेडिंग सक्सेस। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्या कैसे करना है पूरा डिस्कस करेंगे हम। तो 3 पार्ट्स में इसको अपन डिवाइड करेंगे। वैसे पहला पार्ट रहेगा एक सेटअप, अपने को एक सेटअप डिसाइड करना है, कोई भी एक सेटअप डिसाइड करना है। पूरा मैं लिख देता हूँ आपको, एक सेटअप, रुको रुको, अपने को एक सेटअप डिसाइड करना है, कोई भी। RSI ले सकते हो, बोलिंजर बैंड ले सकते हो आप, MACD ले सकते हो, या इवन आप इंगल्फिंग कैंडल भी ले सकते हो। अपने को 3 महीने तक सिर्फ एक सेटअप पे काम करना है, कोई भी आप चूज़ कर लो, उस पर बैक टेस्ट करो, और हो सके तो आप 1 से 2 स्ट्राइक्स भी देख लो। जैसे अपने को या तो बैंक निफ्टी में करना है, निफ्टी में करना है, या किसी स्टॉक्स में करना है, वो भी आप देख सकते हो। दूसरा स्टेप लेना है स्टार्ट विथ लेस, समझे? मतलब दूसरा अपना स्टेप होगा वो होगा स्टार्ट विथ लेस। राइटिंग पे मत जाना, बस भावनाओं में जाना। स्टार्ट विथ लेस, आपको 50,000 रुपये का कैपिटल स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि 50,000 रुपये के कैपिटल में आप ऑप्शन बाइंग भी कर पाओगे, ऑप्शन सेलिंग भी कर पाओगे। पहली बात मैं बताता हूँ, अभी से आपको ऑप्शन बाइंग बंद करनी है नेकेड, क्योंकि वहाँ सिर्फ और सिर्फ लॉस होना है। आपको हेजिंग ही करनी है, अगर बाइंग भी करनी है तो हेज के साथ करनी है, सेलिंग करनी है तो भी हेज के साथ करनी है। आप ये सब 50,000 रुपये के कैपिटल के साथ कर सकते हो। और तीसरा अपने को जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एड ऑन करना है वो है XSL। मेरे को किसी मेरे बहुत गुरु ट्रेडिंग के गुरु ने कहा था कि देखो, दुनिया में इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ है, अगर ये किसी को आ गई वो ट्रेडिंग से पैसा बनाएगा नहीं, छापेगा, याद रखना। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ, हाउ टू बुक SL। जिसको SL लेना आता है ना, लॉस काटना कि हाँ मैं गलत हो गया मार्केट में, अब मुझे यहाँ से जाना है, वो मार्केट में पैसा बना लेगा। और आपको क्या कर सॉरी और आप क्या कर सकते हो इसमें, जैसे कि अभी 3 स्टेप आपको बता दिए। पहला क्या करना है, आपको स्टार्ट विथ लेस, एक सेटअप पे काम करना है, और फिक्स SL रखना है। अब एक सेटअप में आप कहोगे कि मैं आप किस किस से सेटअप को देख सकता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो RSI को। RSI में क्या करो आप, जैसे RSI में 30 मिनट लिया, जैसे ही नीचे से ऊपर 30 मिनट को क्रॉस करे आप वहाँ पे ले लो और उसके जस्ट नीचे का SL लगा दो। जैसे ही ऊपर 70 RSI से अगर नीचे क्रॉस करे तो आप सेल कर दो और उसके ऊपर का SL लगा दो। सिंपल है। ठीक वैसे ही आप बोलिंजर बैंड को यूज़ कर सकते हो, आप बोलिंजर बैंड को यूज़ कर सकते हो। जैसे ही बैंड के ऊपर, जैसे ये बैंड है, इसके ऊपर रेड कैंडल बनती है तो आप सेल का ट्रेड ले लो और उसके ऊपर ट्रेड ले लो। BCMA के ऊपर जाए तो ट्रेड ले लो। कोई भी आपको सिंपल सेटअप देखना है, एक सेटअप पे करना है, उसको बैक टेस्ट करना है। याद रखना, ट्रेड करने से पहले एटलीस्ट आपको उसका 2 साल बैक टेस्ट करना है, ठीक है? 2 साल हमें उस पर बैक टेस्ट करना है और 3 महीने तक उसे अप्लाई करना है। मैं पहले ये क्लियर कर देता हूँ, बाद में मैं बताऊँगा कि 3 महीने ये करने के बाद अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है? तो 3 महीने तक अपने को क्या करना है, 3 मंथ्स के लिए अपने को एक सेटअप पे काम करना है, 1 सेटअप। 3 महीने एक सेटअप पे काम कर लिया, अभी फिर अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टार्ट विथ स्मॉल। इसका रीज़न क्या है, इसमें क्या करना है, क्या क्या आप इसमें करोगे, स्टार्ट विथ
स्मॉल। अभी जिनके पास लाखों का लॉस हो रखा है वो कह रहे हैं सर एक देखो एक दिन में कोई लॉस कवर नहीं होगा, और या जिसपे 10-20 हज़ार रुपये का लॉस हो रखा है वो भी कहेगा कि क्या मैं क्या कह रहा हूँ, 10-5 हज़ार रुपये मार्केट में लेके आओगे कुछ ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप मार्केट के सारे एस्पेक्ट्स नहीं जान पाओगे कि वहाँ पे ऑप्शन हेजिंग भी है, वहाँ पे अपन सेल भी कर सकते हैं, इवन वहाँ पे बास्केट ट्रेडिंग भी है। अब बास्केट ट्रेडिंग क्या है? बास्केट ट्रेडिंग ये सिंपल है कि आपने जैसे वीक के अंदर 5 से 6 स्टॉकों का स्टॉक सिलेक्शन किया कि ये अलग अलग डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक्स है, ये इस वीक ऊपर जाएंगे। तो आपने 5 स्टॉकों को मान लो बास्केट में बनाया, हर स्टॉक में आपने 20-20 हज़ार रुपये डाले, ठीक है। मान लो कि 3 स्टॉक बढ़िया चले, 2 स्टॉक नहीं चले, आप उनमें फिक्स एसएल रखा 2.5% का, और बाकी में आपको 5-5% रिटर्न मिला मिनिमम लेके मैं चल रहा हूँ एकदम रियलिस्टिक प्रॉफिट्स। तो 2.5% 2-5% चले गए, 10% का रिटर्न मिल गया ना आपको पर मंथ में 10-15 दिन वो जितने भी आप होल्डिंग रखो, तो आप बास्केट कर सकते हो। तो 50 हज़ार रुपये का एकदम डिसेंट अमाउंट है वो आपको मार्केट में लेके आना पड़ेगा। तो एक सेटअप देख लिया आपने, अभी अब स्टार्ट विथ स्मॉल मतलब 50K को आपको लेके आना है, उसमें आप क्या करोगे 50K लेके आना है उसमें आप क्या करोगे, उससे आप हेजिंग भी कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग की हेजिंग कर सकते हो, बास्केट ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई आपको स्टॉक ऑप्शन पसंद है तो उसमें भी आप एक लॉट हेज का बना सकते हो। अभी हम थर्ड ऑप्शन पर बात आएंगे, वो है हमारा फिक्स एसएल। आपको हमेशा क्या करना है, 50 हज़ार रुपये का कैपिटल आपके पास है तो 500 से 800 रुपये से ज़्यादा एसएल नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इन 3 महीनों में मार्केट तो हर दिन ओपन होने वाला है, लेकिन एक बार आपका कैपिटल चला गया वो वापस थोड़ी ना आएगा। तो हमें क्या करना है, 1% से ज़्यादा अपने का एसएल नहीं लेना है अपने कैपिटल का, ठीक है। बुक लॉस करना बहुत ज़रूरी है। आप देखोगे कि तो आपके जो बड़े लॉसेस है ना, आपका जो 1 लाख 2 लाख का जो कैपिटल गया है वो 2 से 3 ट्रेडों में गया है सबसे मेजरली। मतलब आपका अगर 2 लाख रुपए का लॉस हुआ तो 1 लाख रुपए आपके 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर खाली हुए हैं। नहीं हुए हैं हुए हैं आप बता देना कमेंट में कि हाँ सर आप सही बात कर रहे थे, ठीक है। अभी 3 महीने अपने को बाद में क्या करना है, 3 महीने बाद असली गेम स्टार्ट होगा। क्या असली गेम है ना, असली गेम देखो, असली गेम है ना वो 3 महीने बाद स्टार्ट होगा। बाद में आपको क्या करना है, खुद को एनालाइज करना है कि हाँ इन 3 महीने मैंने क्या किया, मैं जेन्युइन रिटर्न निकाल सकता हूँ, मेरी जो साइकोलॉजी है वो सुधरी है, फिर आपको बड़ा कैपिटल इंट्रोड्यूस करना है। और देखो मारवाड़ में एक कहावत है, दुनिया में धूल घनी है, अगर आपको रिटर्न निकालना आता है तो आपके पास पैसा जरूर आ जाएगा, और रिटर्न निकालना नहीं आता है तो फिर देखो कोई इलाज नहीं है। ये आप सिंपल 3 स्टेप्स फॉलो करो, कम कैपिटल से स्टार्ट करो, एक सेटअप के साथ करो, एक फिक्स एसएल के साथ करो, मार्केट में ये 3 ही चीज़ें। और कोई आपको डाउट होता है, मारवाड़ी ट्रेडर्स आपके साथ हमेशा है, आप कोई भी डाउट होता है हमें पूछिए, हमारी टीम को पूछिए, हम पूरा पूरा कोऑपरेट करेंगे। आशा करूँगा ये एक छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आगे आपको किस हिसाब से वीडियोज़ चाहिए और भी हेजिंग पे या हेजिंग स्ट्रेटजीज़ पे, या एक सिंपल जो मैंने RSI का स्ट्रेटजी बताया या जो आपको बोलिंजर बैंड का बताया, इस पर आपको स्पेसिफिक एक वीडियो चाहिए तो भी आप मेरे को बता देना। धन्यवाद, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया है।